तो फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि बार 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 चैप्टर वन से रिपीट हुए हैं। जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर के हम पांच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार 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 पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इन सबका सोल्यूशन आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर सिर्फ आंसर्स होंगे, क्वेश्चन आपको यहीं से देखने हैं। सबसे पहले मेन चीज़ तो देखो, ये फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट आए हुए हैं, ये दोबारा आ सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बार बार आते ज़रूर हैं। और देखो, आपका जो एनसीईआरटी वो आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको कम से कम ये टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए अच्छे से, कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के आपकी एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर होगी तो बढ़िया है, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्या होगा, एग्जामिनर ना घुमा के देगा चीज़ों को, होगा एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट लेकिन सारा चीज़ थोड़ा घुमा फिरा के देगा, ठीक। उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कोरोइजन, रस्टिंग, रेंसिडिटी, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो पांच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आ रखा है 2011 में, 15 में, 17 में। एक्सप्लेन टू वेज बाई विच फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रेंसिडिटी, और टॉप स्पेसी के साथ डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विद 3 पॉइंट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स से पूछा गया कई बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये पूछा, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट। और ये क्वेश्चन 2014 में, 18 में और 13 में पूछा गया है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए आता ही आता है। कह रहे हैं बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन 2013 में, 17 में और 15 में आ रखा है, ठीक है। पहले तो देखो इस टाइप का दे रखा था, तीन नॉर्मल इक्वेशन और फिर एक वर्ड्स प्रॉब्लम में दो दे रखे थे, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गोज टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट, और सेकेंड था जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको करके जाना चाहिए। ये भी नहीं आता तो इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2014 में आया है, 15 में आया है, 18 में आया है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। और देखो, मैंने पहले ही साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, फिजिक्स के, वो करा रखे हैं वीडियो लेक्चर्स में, उनके लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने पहले ही मैथ्स पूरी करा रखी है, उसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रखा है, वो कई बार 2009 में, 2012 में और 2017 में, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आइडेंटिटी द टाइप ऑफ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम, गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये पूछा गया है कई बार। सो ये फाइव मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे चैप्टर पर हमारे, जो केमिस्ट्री है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि बार बार पूछे गए हैं। आई होप वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।